हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माशाल्लाह से आज हस्बैंड पराठा बना रहे हैं। ये देखिए आलू वाला, ये देखिए कितना प्यारा बना है और मुझे गिफ्ट किया है। कहते बेगम जस्ट फॉर यू। और ये मैं चाय था और बना रही हूँ। मेरा नाश्ता ना लगा, 10 बज गए, आज हमने लेट नाश्ता करना है। ये देखें, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट हैं आप। चले तब जब ये तवे पे डालते हैं ना, फिर मैं दिखाती हूँ। देखे कितना गोल बनाया, इतना गोल तो शायद मैं भी ना बना सकती जितना गोल आपने बना दिया पराठा। और मैंने इधर से चेक किया है, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, बहुत क्रिस्पी सा बनाया है, टेस्टी। मैंने कहा चाय बाद में होगी, पहले पराठा होगा, क्योंकि इसका लुत्फ अलग ही है। देखें और सात बर्तन धोने वाले पड़े हैं, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो तो फिर बाहर किचन में होते हैं, धो ही लेने होते हैं बाहर में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बादल भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आसमान पर। और साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े धो रही हूँ, और नाश्ता भी साथ हो रहा है। ये कपड़े सारे धो दिए हैं मैंने, और यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, अभी ये सारे धोने हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिप्स, क्रेविंग से हो रही थी, हस्बैंड को आज छुट्टी थी तो आलू ले आया, कह रहे चिप्स बना दो, तो फिर उनकी फरमाइश को पूरा कर रही हूँ। यहाँ पर फ्राई हो रही है, फ्राइज पहले गैस बंद थी तो अभी आई है, तो बना के चिप्स कटिंग करके रख लिए थे, आई है तो अब बना रही हूँ। चले फिर फ्राई करके सारी आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर फ्राइज जो है रेडी हो चुकी है, बहुत टेस्टी यमी बनी थी, क्रिस्पी भी माशाल्लाह से। और यहाँ पे हस्बैंड भी खा रहे हैं, आप भी खा ले सारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हम मासी भांजी दो सालन बना रहे हैं, ये शिमला मिर्च बना रहे हैं और कीमा डालकर। ये मेरी भांजी ने अपनी राइस रेसिपी नवी नहीं बनाई है, ये इसने खुद तैयार किया है, ये बड़ी मज़े की, आप भी बनाना, आप चख के देखना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जी ज़रूर, आप ज़रूर, मैं आपको ना जब नेक्स्ट बनाऊंगी रेसिपी बता दूंगी मैंने कैसे बनाई है, आप भी खा के देखना। और यहाँ पर आलू शिमला और कीमा बन रहा है। आज हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है, तो खाना रेडी कर रहे हैं हम दोनों। तो चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है, यहाँ पर मैं अब इसको दे रही हूँ कोयले का दम, तो इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जैसे बारबेक्यू का फ्लेवर आता है ना, सेम वैसे ही फ्लेवर आता है। माशाल्लाह सबको इतना अच्छा लगा सालन ये वाला, सभी तारीफें कर रहे थे कि ज़बरदस्त बना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर ऐसे अच्छा भी लगता है कि अगर कोई आपके खाने की तारीफ़ कर दे, तो फिर और दिल करता है कि और अच्छा मज़ीद बनाएं। बस इसको फिर 5 मिनट के लिए ढक दिया था दम देके, और साथ में हरी मिर्चें भी है वो भी आधी कट करके वो डाल दी थी ऊपर से। तो जी यहाँ पर रात काफ़ी हो चुकी थी, रात का टाइम था, तकरीबन 11-12 बज गए थे, तो यहाँ पर पार्टी होने लगी थी हमारी, साथ मूवी देख रहे थे बैठे सभी हम, और चीज़ें ले आए थे हस्बैंड, जाके कह रहे थे फिर साथ चीज़ें तो होनी चाहिए अगर मूवी देखनी है। आखिर मेरी कज़न चाय बनाने गई हुई थी साथ, हम इसी का वेट कर रहे थे, तो चाय भी आ चुकी है यहाँ पर, ये देखें। अब हम साथ साथ मूवी भी देखेंगे और साथ साथ चाय वगैरह जो है वो भी इंजॉय करेंगे।
तो यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और जो चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।